Dear students of class 6th, I am continuing my lecture on your chapter 5, Separation of Substances. In last lecture, I told you about the different method of separations like threshing, winnowing. Now I am continuing the same. Use of more than one method of separation. जब आपने सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट करना है फ्रॉम द मिक्सचर और उसमें आपको मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन यूज अप करना है. द मैथ वी हैव स्टडीड सम मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर. ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर. कई बार ऐसे भी होता है कि एक मिक्सचर के अंदर सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए एक मेथड से ज़्यादा भी मेथड यूज़ करने पड़ते हैं. ठीक है, तो उसको हम स्टडी करेंगे. टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड. अगर आपको सॉल्ट और सैंड के मिक्सचर को सेपरेट करना है तो हाउ टू डू इट, ये एक्टिविटी की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है. टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट. आपने एक सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर लेना है. कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड एड सम वाटर टू इट. Leave the beaker aside for some time. The sand can be separated by decantation or filtration. Now we need to separate salt and water from the decanted liquid. Transfer this liquid to a kettle and close its lid. Heat the kettle for some time. Take a metal plate with some ice on it. Hold the plate just above the spout of the kettle as shown in the figure. Let all the water in the kettle boil off. When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. The water drops that you observed falling from the plate were due to the condensation of steam. The process of conversion of water vapor into its liquid form is known as condensation. After all the water has evaporated, the white particles of salt remain at the bottom of the kettle. We have thus separated salt, sand and water using decantation, filtration, evaporation and condensation. अब ये पूरी एक्टिविटी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ. सबसे पहले हमने सैंड और सॉल्ट लिया है, उसमें कुछ पानी ऐड किया. पानी में आपका सैंड तो डिसॉल्व नहीं होगा लेकिन सॉल्ट आपका डिसॉल्व हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने इसको अनडिस्टर्ब पोजिशन में छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए. ठीक है, अलग रख देना है ताकि जो भी चीज़ सेटल डाउन होना चाहे हो जाए. अब आपको पता है सॉल्ट तो पानी में डिसॉल्व हो गया लेकिन सैंड तो नहीं हुआ ना, तो सैंड जो होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा आपका. अब जब सैंड सेटल डाउन हो जाएगा उसके बाद आपने डिकेंटेशन करना है. जो सेडिमेंटेशन तो हो गई एज यू हैव लेफ्ट असाइड फॉर सम टाइम, बिना हिलाए डुलाए आपने उसको कंटेनर को रख दिया तो सेडिमेंटेशन तो हो गई, मतलब सैंड तो सेटल डाउन हो गई. अब आपने क्या करना है, ऊपर के पानी को दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर देना है. ठीक है, अब इस पानी को आपने डाल देना है एक कैटल में और उसके ऊपर लगा देनी है लीड. ठीक है, अब कैटल को रखना है आपने हीट अप करने के लिए और साथ में एक मेटल प्लेट ले लेनी है जिसमें कुछ आइज हो. अब देखो आपको स्लाइड में क्या दिखाया हुआ है कि स्लाइड में जो है आपको मेटल प्लेट जिसके ऊपर आइज रखी हुई है वो उसके ऊपर से आपके वो कैटल की जो वेपर्स हैं वो पास ऑन हो रहे हैं. ठीक है, आप कैटल के जो वेपर्स जो होंगे जो उसमें से हीट अप होके जो पानी निकल रहा है आपका उसके जो वेपर्स निकल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टीम वो आपके प्लेट के ऊपर से निकल रहे हैं. प्लेट के ऊपर क्या है, आइस जो उसको ठंडा कर देगी. अब ये जो स्टीम ठंडी होगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कंडेंसेशन की वजह से लिक्विड में. अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है और दूसरे कंटेनर में, दूसरे बीकर में जा रही है. तो इस तरह से अब आपका सारा पानी जो होगा वो वेपोराइज होके स्टीम में कन्वर्ट होके कंडेंस होके दूसरे बीकर में कलेक्ट हो रहा है. कैटल के अंदर सिर्फ क्या बच जाएगा, सॉल्ट. ठीक है, तो इस तरह से आपने सैंड को अलग किया पहले सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन से. आप फिल्ट्रेशन से भी कर सकते हो, फिल्ट्रेशन इज़ द अदर मेथड. उससे दो प्रोसेस, सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन करने की बजाय
सिर्फ एक फिल्ट्रेशन मेथड से भी आप सैंड को अलग कर सकते थे। जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सॉल्ट तो डिसॉल्व हो गया पानी के अंदर, लेकिन सैंड तो नहीं हुई ना, ठीक है। तो आप चाहो तो उसे फिल्टर करके भी सैंड को फिल्टर पेपर पे कलेक्ट कर सकते हो, और चाहो तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेडेशन करके भी आप सैंड को अलग कर सकते हो। फिर सॉल्टी वाटर में से पानी इवेपोरेट हो गया, वो अलग बीकर में कलेक्ट हो गया, और कैटल के अंदर सिर्फ क्या रह गई है, सॉल्ट रह गई है। तो इन दिस मेथड यू हैव यूज डिफरेंट मेथड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, या फिर फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो एक मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए वी हैव यूज डिफरेंट मेथड्स। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सी। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? अगर आप किसी भी सब्सटेंस को पानी में ऐड करते हो तो क्या कितना भी अमाउंट उसमें ऐड किया जा सकता है? एज वी हैव लर्नड इन प्रीवियस चैप्टर दैट मैनी सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर। अब लास्ट चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल का पढ़ा था, ठीक है। मतलब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी में सोल्यूबल होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं सोल्यूबल, और जो पानी में सोल्यूबल नहीं होती, दे आर सेड टू बी इनसोल्यूबल। तो जो वाटर है आपका, वो एक ऐसा सॉल्वेंट है जो मैक्सिमम सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है कि पानी के अंदर क्या कितना भी अमाउंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम स्टडी करेंगे। द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो सब्सटेंस पानी में ऐड किया जाता है, डिजॉल्व किया जाता है, दैट इज नोन एज सॉल्यूट। इट कैन बी शुगर, इट कैन बी सॉल्ट, ठीक है। और पानी क्या है आपका, सॉल्वेंट है। अब आपने सॉल्यूट को पानी के अंदर डिजॉल्व कर दिया, मतलब आपका जो बना वो क्या बना, सॉल्यूशन, ठीक है। तो इफ़ यू डिजॉल्व शुगर इन वाटर, देन शुगर इज सॉल्यूट, वाटर इज सॉल्वेंट, एंड द शुगर सॉल्यूशन इज सिंपल सॉल्यूशन, मींस इट दिस मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। तो दिस मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे हाउ मच सॉल्यूट कैन बी एडिड टू अ सॉल्वेंट। अभी एक्टिविटी है टू ऑब्जर्व द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस वाटर कैन डिजॉल्व। यू विल नीड अ बीकर और अ टम्बलर, अ स्पून, सॉल्ट एंड वाटर। पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर, एड 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर इट वेल अंटिल द सॉल्ट डिजॉल्व कम्प्लीटली। अगेन एड 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर इट वेल। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 teaspoon एट अ टाइम एंड स्टिर। आफ्टर एडिंग ए फ्यू स्पूंस ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन अनडिजॉल्व एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर। दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। द सोल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सेचुरेटेड। ए सोल्यूशन इन विच नो मोर सॉलिड कैन बी डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सेचुरेटेड सोल्यूशन। ऑन द अदर हैंड वेन मोर सॉलिड कैन बी डिजॉल्व इन ए गिवन सोल्यूशन इट इज सेट टू बी अनसेचुरेटेड। आपने एक टम्बलर लेना है, स्पून लेना है, सॉल्ट लेना है, वाटर लेना है। अब आपने क्या करना है, एक कप पानी ले लेना है उस बीकर में से, मतलब बीकर में आपने हाफ अ कप पानी ले लेना है। यू हैव टू मेजर हाफ कप ऑफ वाटर एंड टेक इट इन अ बीकर। अब इसमें एक स्पून आपने सॉल्ट का डालना है, उसे स्टिर करना है, वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। दूसरा स्पून, तीसरा स्पून, चौथा स्पून, स्टिर करते जाओगे। अब आप देखोगे एक टाइम ऐसे आया जब आपने उसके अंदर सॉल्ट तो ऐड किया, स्टिर तो किया, बट वो डिजॉल्व नहीं हो पाया, वो अभी भी वैसे का वैसे अनडिजॉल्व का अनडिजॉल्व है और बॉटम पे रह जाता है। इट मींस अब वो सिचुएशन आ गई है जिसमें और ज़्यादा सॉल्ट डिजॉल्व नहीं हो सकता उस पानी के अंदर। एट दिस टाइम दिस सॉल्यूशन इज सेट टू बी सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन होता है, जिसमें और ज़्यादा सॉलिड एड अप ना हो पाए, दैट इज़ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसको ऑब्टेन करने के लिए आप उसे स्ट्रेनिंग भी दे सकते हो, लेकिन स्ट्रेनर बहुत ही ज़्यादा मतलब उसमें जो पोर्स होने चाहिए वो बहुत कम होने चाहिए, या फिर यू मेक यूज़ द कॉटन क्लोथ, ठीक है।
और अगर कोई आपके पास ऐसा पानी है जिसके अंदर आप और सॉलिड ऐड कर सकते हो और ज़्यादा शुगर और सॉल्ट ऐड कर सकते हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप सॉल्ट से भी प्रिपेयर कर सकते हो, शुगर से भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका और सॉल्ट ऐड हो सकता है या और शुगर ऐड हो सकता है, मींस और सॉल्यूट ऐड हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, तो उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब सैचुरेशन लेवल मिल गया, मतलब घोलने पर, स्टिर करने पर और ज़्यादा डिसॉल्व होना बंद हो गया और आपने सॉल्यूट ऐड किया बट अब और वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो आप उसे छान कर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हो। अब व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी? डिफरेंट सब्सटेंसेस डिसॉल्व टू फॉर्म टू डिफरेंट एक्सटेंट इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सब्सटेंस का एक पर्टिकुलर वाटर में डिसॉल्व हो जाना उसकी सॉल्युबिलिटी है। लेकिन सॉल्युबिलिटी जो होती है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है, एट ए गिवन टेम्परेचर होती है। मींस टेम्परेचर बढ़ जाने पर सॉल्युबिलिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं और टेम्परेचर डिक्रीज करने पर हम सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस डिसॉल्व टू डिफरेंट एक्सटेंट इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, मतलब अलग अलग सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर या किसी भी अदर सॉल्वेंट के अंदर एट ए गिवन टेम्परेचर अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने सॉल्ट से ऑब्टेन किया है, हो सकता है सॉल्ट से डिसॉल्व करने पर आपने ज़्यादा चम्मच ऐड किए हों और शुगर पे डिसॉल्व करके देखो तो कम चम्मच ऐड हो शुगर के। तो इस तरह से अलग अलग सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी की डिफाइन प्रॉपर क्या होती है? द मैक्सिमम मास ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो जितना मैक्सिमम सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर सकते हो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे, दैट इज नोन एज इट्स सॉल्युबिलिटी। अब टू प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट एट रूम टेम्परेचर एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट। मतलब आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो अभी आपने देखा कि कैसे बनता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और फिर सॉल्युबिलिटी को कम या ज़्यादा करना कैसे? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो हाउ टेम्परेचर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी, दिस एक्टिविटी शोज इट। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्ट। अब आपने जैसे अभी पीछे मैंने आपको बताया कि आपने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर कैसे ऑब्टेन करना है, तो वो आपने रेडी कर लिया, ठीक है। मींस यू हैव ऑब्टेंड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। नाउ ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। अब आपने अगर वैसे ही सॉल्ट ऐड किया तो वो डिसॉल्व तो होगा नहीं, क्योंकि सैचुरेशन तो आपने ऑब्टेन कर लिया, वो सेटल डाउन हो जाएगा, स्टिर करने पर भी डिसॉल्व नहीं होगा। तो आप क्या करो, उसे हीट कर दो। हीट करने पर होट सॉल्यूशन कूल। दिस एक्टिविटी शोज दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। अगर आप उस सॉल्यूशन को हीटअप कर देते हो तो जो सेटल डाउन आपका सॉल्ट है, स्टिर करने पर अब वो डिसॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। द सब्सटेंस और कॉमन सॉल्ट वट एवर यू कैन से डिसॉल्व मोर एट हायर टेम्परेचर और इन अदर वर्ड सॉल्युबिलिटी इंक्रीजिज ऑन हीटिंग। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, हम और ज़्यादा सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व कर पाते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन वाटर इज नॉट द सेम। द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इंक्रीजिज मोर देन दैट ऑफ सॉल्ट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब अगर हम इसी में ही बात करें शुगर की, तो शुगर की सॉल्युबिलिटी सॉल्ट से भी ज़्यादा बढ़ जाती है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अलग अलग होती है। गैसेस की बात करें तो सम गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर, हाउएवर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन गैसेस के केस में ये उल्टा होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। जैसे कि आप समर में देख सकते हो फिश इन शेलो पॉन्ड डाई, दिस इज़ ड्यू टू द ड्यू टू दिस इज़ बिकॉज ऑफ द
water of the pond gets warm due to summer heat. As a result, the amount of oxygen in water decreases and the fish in the pond die. तो समर सीजन में क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो फिश होती है वो ज़्यादा उनकी डेथ होती है इन पोंड एक्सेट्रा. क्यों? क्योंकि पानी जो होता है वो वार्म अप हो जाता है समर हीट की वजह से, और जिसकी वजह से क्या होता है ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी कम हो जाती है. जैसे अभी मैंने बताया कि गैसेस की सोल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ जाने पर डिक्रीज होती है, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन जो होगी वो पानी के अंदर अगर कम डिजोल्व फॉर्म में होगी तो फिश को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी जिससे वो डाई कर जाएंगे. तो आपका ये जो चैप्टर है बेटा ये अब ख़त्म हो गया है, ओवर हो गया. अब आपने इसको जो है वेल प्रिपेयर करना है विद रिटन प्रैक्टिस, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, और जो भी एक्सरसाइज सेंड की जाए उसे टाइमली सबमिट कर देना.